ओके मिठत निमी नानका पहला आपका कितना सी लेख पहला लेख किड़ा कितना से सी मान जीते जग जीत ठीक है तुका वाले आने ने तुका मींस कि गुरबाणी दिया तुका हो सकनिया ने क्लियर है फेयर कॉपी ते तुसी सिर्फ एदी भूमिका और एंड ते तुसी इनू करना है बाकी ते सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं बट इनू करना जरूर है फेयर ते सो पहला देखो जान पहचान या भूमिका हेडिंग पेज नंबर 292 जान पहचान विच तुसी लिखना है कि जड़ी सारी दी सारी सृष्टि है वो परमात्मा दी बनाई हुई है ठीक है परमात्मा दा दित्ता जीवन जड़ा है बहुत ज्यादा अनमोल है कि जो इस संसार विच आया है व्यक्ति वो कोई ना कोई शुभ कर्म करन आया है ठीक है ते उन्हें की किता इदा मतलब की है मिठत नीवी नानका जो मिठा बोलता है जिदे विच हंकार नहीं हुंदा वो वाला व्यक्ति हमेशा सफल हुंदा है खुशहाल हुंदा है सो तुसी इदी जड़ी जान पहचान है वो अपने वालों भी बना सकते हो जरूरी नहीं कि तुसी बुक दी लैंग्वेज ही लिखनी है कौन दसेगा भूमिका कोटेशन नहीं है बट अगर थानू मिलती है तो तुसी ऐड कर सकते हो चार पांच कोटेशंस ऑलरेडी है वो ते असी तुक दा अर्थ लिख लवांगे ना जान पहचान भी सिंपल की लिखोगे तुक नू छड़ दो पहला भूमिका उदेश हुंदा है भूमिका लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भूमिका यस अश्मित मैम फिर पर सिर्फ हेडिंग्स नहीं लिखनी हेडिंग्स लिखनिया है पर उदी इंट्रोडक्शन ते कावन ओ जड़ा सारांश है ओनु लिख लो बाकी हेडिंग्स लिख लो ठीक है ओके जान पहचान विच लिखो संसार परमात्मा दा रचिया होया है संसार परमात्मा दा रचिया होया है परमात्मा ने सब जीवां नू परमात्मा ने सब जीवां नू जीवन दी अनमोल दात दित्ती है परमात्मा ने सब जीवां नू जीवन दी अनमोल दात दित्ती है मनुख संसार विच विचरदिया मनुख संसार विच विचरदिया चलदिया मनुख संसार विच विचरदिया कई सारे काम करदा है कम नी कर्म लिखो मनुख संसार विच विचरदिया कई सारे कर्म करदा है कर्म कई सारे कर्म करता है संसार परमात्मा दा रचिया होया है परमात्मा ने सब जीवां नू जीवन दी अनमोल दात दित्ती है मनुख संसार विच विचरदियां कई सारे कर्म करता है इना कर्मा दे आसरे इना कर्मा दे आसरे हो आसरे सहारे इना कर्मा दे आसरे ओहो
ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਂ ਈਗੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਓ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਆਗ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖਿਓ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ
नेक्स्ट देखो हेडिंग, उस तो बाद भी तुसी भूमिका लिख ली, फिर तुसी हेडिंग सी लिखनी है सिर्फ, ठीक है? ऐदा ही आपां इहदा एंड करांगे। हुण स्टार्टिंग मैं तुहानूं दसी, एंड तुसी मैनूं दसोगे। नेक्स्ट लिखो तुक दा अर्थ, तुक दा अर्थ। मिठत नीवी नानका जिहड़ी ये तुक है, ये किहदे द्वारा उचारी गई है? श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उचारी गई है। कित्थों लई गई है? आसा दी वार, ठीक है? उहनां दी बाणी है आसा दी वार, उहदे विचों लई है। ये जो तुसी लिखना है ते इहनूं क्लीयरली लिखना है, उदों अंडरलाइन भी करिया करो, ठीक है? जिहड़े अवर्ड्स हुंदे ने। फिर इस तुक दा मतलब की है? कर्मा दा फल, ठीक है? के जिन्ना भी ठीक है, ठीक है, मिठा बोल के असि जग नू जीत सकते हैं, जो असि सफल हो सकते हैं। नाल ही थोड़ा जिहा हंकार दा भी दसना कि जे आपां हंकार करी जावांगे तां फिर असि सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते ना, सानू दूसरा कोई पसंद ही नहीं कर सकता, हो जाएगा तुक दा अर्थ। नेक्स्ट लिखो मिठे अते कोड़े बोलां दा असर, हां जी रमनीक, मिठे अते कोड़े बोलां दा असर। ठीक है, मिठे बोल सारिआं नूं पसंद आणगे, कौड़े बोल बोलांगे तां तुहानूं कोई भी पसंद नहीं करेगा। दिल नूं चंगे लगदे आ। ओके, ते इहदे नाल ही देखो एक है तुक है, नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए, ठीक है? फिक्का मतलब इत्थे इह नहीं है कि कड़वे बोल, फिक्का मतलब है प्यार दे बोल। जे आपां हर किसे दे नाल प्यार दे बोल बोलांगे तां साडा जिहड़ा तन मन है उह वी उदां दा ही होएगा, साडे विच पॉजिटिविटी होएगी। आपां हमेशा नैगेटिविटी लै के चली जाइए, तुहानूं चीज़ां पॉजिटिव नज़र आणगीआं? कदी नहीं नजर आणगीआं। तुसी दिल च सोचोगे मैं हुण रोड ते जा रही हाँ, इत्थे इह हो जाएगा, उत्थे उह हो जाएगा, है ना? डेफिनेटली होएगा ही होएगा। तुसी पेपर कर रहे हो, है ना, तुहानूं लगदा मेरे को इह वाला क्वेश्चन नहीं होना हैगा, इस टाइम ते इह हो जाना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮੰਨ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। बुक ते तुहाडी लिखी हुई है पेज नंबर 292, ठीक है? इंट्रो तुहानू कितों नूं मिलेगी। नेक्स्ट है हेडिंग निम्रता अहम गुण, नेक्स्ट हेडिंग निम्रता अहम गुण। निम्रता अहम गुण, पहला तुसी देखो इहदे विच ना दो चीजा दित्तियां गईयां ने, एक हंकार ते एक मिठा बोलना। पहला तुसी हंकार बारे गल कर लो, फिर तुसी मिठा बोलन बारे गल करो, ठीक है? हुण इहदे विच की है, निम्रता अहम गुण है किद्दां? कट्ठे ना बोलिया करो,
इवा लवली ना ठीक है ना इन्होंने एग्जाम्पल दिखाई ने कि पहला तो कि निम्र व्यक्ति जिहड़ा हुंदा उह सारे दा दिल जित लैंदा ना ठीक है उहनूं कोई भी व्यक्ति है वह पसंद करता है ठीक है। फिर इन्होंने देखा होया है एक भाई गुरदास जी ने एग्जाम्पल दिती है अग ते पानी दी हुण अग जिहड़ी उह हमेशा उपर नूं उठदी है उहदियां जिहड़ियां लपटां जिहियां हुंदियां पानी की हुंदा हमेशा नीवा होके पैंदा अग की है लोकां नूं साड़दी है अग कोल कोई जांदा है नहीं जांदा पानी कोल हमेशा हर कोई जीव जांदा धरती नूं सिंझदा दूसरां दी प्यास बुझांदा ठीक है। सो जिहड़ा नीवा व्यक्ति है वह की है पानी दी तरह रहिंदा ठीक है उहनूं हर कोई पसंद करदा पर अजकल ये भी नहीं कि बहुता ज्यादा नीवे होके तुरिया जावे कोई तुहाडा कमजोरी फायदा भी चुक सकदा ठीक है। इसलिए जिहड़ा व्यक्ति मतलब ऐसा रो कि नीवा होना यह नहीं है कि बिल्कुल ही नीवे होके रह जाओ मतलब अपना जिहड़ा तुहाडे विच एटीट्यूड है ईगो है उहनूं कट कर लो पर जिहड़ी तुहाडी सैल्फ रिस्पैक्ट है उहनूं कदी ना नीवा होण दो ठीक है। इन्हां दोनों विच बहुत फर्क है ओके ए ना होवे नीवे होगा तो तुसीं अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट भी डाउन कर दो ए नहीं होना चाहिए हर किसी की सैल्फ रिस्पैक्ट है ठीक है बैलेंस होना चाहिए है। फिर देखो उन्होंने अग ते पानी दी दित्ती है एक उन्होंने दित्ती है तकड़ी दी एग्जाम्पल ठीक है तकड़ी समझते हो ओदे विच एक पासे ज्यादा भार हुंदा ओ चीज की है नीवी हो जाती है एक पासे ओ चीज जिहड़ी है हल्की रहिंदी है हल्का चंगा है कि पारा चंगा है पारा ठीक है हल्का मतलब ओहदे विच जिहड़े गुण ने ओ चंगे नहीं है ओहदे विच हल्के गुण है होशे गुण हैगे आ चंगे नहीं व्यक्ति तां ओहदा चंगा नहीं हैगा परसनैलिटी अच्छी नहीं हैगी जिहदा जिहदे कोल चंगे गुण होणगे ठीक है ओहदा भार हमेशा ओह निमर होएगा ते ओह हमेशा नीवा बढ़ के ओहदे विच मैं कदी नहीं होएगी हंकार दी भावना ओहदे विच कदे नहीं होएगी सरल जीवन जीवेगा ठीक है। दो एग्जाम्पल लिखनी एक पानी दी ठीक है गुड राइट पानी वाली देनी है अग ते पानी वाली और सेकंड एग्जाम्पल देनी है तकड़ी वाली तराजू वाली एदे विच भी कोटेशन है तर तराजू तोलिए नीवे सो गोरा होए तर तराजू जे आपां तराजू विच तोलदे हाँ ते जिहड़ा नीवा रहिंदा है उही चंगा रहिंदा है ठीक है नीवे सो गोरा होए उही व्यक्ति चंगा रहिंदा है ठीक है। नेक्स्ट है हेडिंग हंकार एक वड्डा औगुण है नेक्स्ट हेडिंग हंकार एक वड्डा औगुण है ठीक है एग्जाम्पल दे सकते हो रावण दी एग्जाम्पल होगी औरंगजेब दी एग्जाम्पल होगी हाँ जी अंग्रेजा दी एग्जाम्पल हो गई दो तीन एग्जाम्पल्स लिखते ही हो ठीक है। हंकार एक वड्डा औगुण है हंकार एक वड्डा औगुण है अंग्रेजा दी एग्जाम्पल ले लो कि जिस तरह अंग्रेज या औरंगजेब दी ले लो कि औरंगजेब ने पंजाब उत्ते बहुत राज किया उहदे विच हंकार सी उहनूं लगदा सीगा कि मैं सब तो वड्डा राजा ते मैनूं कोई हरा नहीं सकता ठीक है पर उहदे लई सब तो वड्डा औगुण सीगा एंड विच उहनूं पछतावा होया सी ठीक है। जदों गुरु जी ने जफरनामा लिखिया सी तां उहनूं लानता पाईआं सी तां उहनूं अहसास होया सी कि उहने किड्डी वड्डी गलती कीती है। सैकिंडली रावण दी एग्जाम्पल लै सकदे हो ठीक है रावण किन्ना पढ़िया लिखिया सी पूरे उहनूं वेदा दा ग्यान सी है ना सब तो इंटैलीजेंट पर उहनूं उहदे ईगो ने ही मार दिता ठीक है एंड ते उह फिर उहनूं उहदी ही करनी दा फल मिलिया। फिर
एक होर एग्जाम्पल इथे जो दिती हुई है वह है सिम्मल का रुख। सिम्मल सिम्मल का रुख ना बहुत उच्चा लंबा हुंदा है, ठीक है। ओदे जड़े फल हुंदे ने फुल हुंदे, ए तुहाडे नाइन्थ विच जड़ी हुण तुहाडा होया ना चेंज, पहले वाले च सी इह पोएम सी सिम्मल रुख सरायरा। हां जी हां लाइन है तुहाडे इत्थे सिम्मल रुख सरायरा अत दीर्घत मुच, कि जड़ा सिम्मल का रुख हुंदा ना बहुत उच्चा हुंदा है, ओदे छां भी नहीं हुंदी नैचुरली। जड़ा रुख हुण आपां सफेदे समझदे, सफेदे वाले हुंदे उत्थे लगे हुंदे रोड ते, काफी लंबे लंबे होंगे बट वो शानदार नहीं होंगे, उन्होंने छाया नहीं होंगी हैगी, उच्चे उच्चे होंगे ने, ठीक है। जरा छोटा रुख हों या मीडियम जहा हों वो छां बहुत ज्यादा होंगी है। हम सिम्मल का रुख इन्ना उच्चा है, एक एग्जाम्पल दी गई है कि जरा उच्चा व्यक्ति होंगे है, मतलब जरा ईगोइस्टिक परसन है वह की है, उन्होंने कोई भी पसंद नहीं करता। सिम्मल के रुख के जड़े फल वगैरह होंगे ने वह भी कौड़े होंगे ने, खा भी नहीं सकते अपना बंदा, कोई भुख मिटा नहीं सकता, ठीक है। इसे तरह ही जरा व्यक्ति हंकारी होएगा ओदे कोल कोई नहीं जाएगा, कोई ईगोइस्टिक बंदा होएगा ओदे कोल तुसी जाओगे? एक बार गए दो बार गए फिर तुसी कह देंदे हो कि इहदे विच ताकड़ी बड़ी है, है ना, फिर तुसी उहनूं बुलांदे तक नहीं हैगे। तुसी फ्रेंड्स बनांदे हो आपस विच, किद्दां बनांदे हो फ्रेंड्स? ट्रस्ट करदे हो, असी एक दूसरे नूं इद्दे थोड़ी ना फ्रेंड बना लैने। फ्रेंड्स किद्दां बनदे आपां? जिहदे नाल साडियां क्वालिटीज मैच होण, है ना। हुण जिहड़ी एक चंगी संगत है ओहदे विच हमेशा किहड़े किहड़े होणगे जिहड़े, जिन्हां दे नाल साडी क्वालिटीज मैच कर जांदियां, इंटैलीजेंट होणगे। एक ग्रुप हो गया इंटैलीजेंट लोकां दा, एक ग्रुप हो गया एवरेज लोकां दा, एक ग्रुप हो गया जो बिल्कुल नलायक होंगे ने। नलायक कभी हुशियार नाल दोस्ती करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ओदा ओदे नाल टेस्ट ही नहीं मैच करेगा, है ना। ट्रस्टवर्दी हो, बोलन विच ठीक हो, फिर हो सकती है। मतलब एदे विच काफी चीजा मैटर कर दिया ने, ट्रस्ट मैटर करता है, थोड़े टेस्ट मैटर करते ने, थोड़ी क्वालिटीज मैटर कर दिया ने। थोड़ा टेस्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ी दोस्ती बननी नहीं, अनबन ही रहनी, है ना। उन्हें कहना तेन ए नहीं पसंद, उन्हें कहना तेन ए नहीं पसंद, ठीक है। सो इसे तरह ही जे हंकारी व्यक्ति होएगा ओदे नाल कोई भी दोस्ती नहीं करेगा, वह दुनिया में हमेशा कला ही रहा है। चाहे ओदे नाल लोकी बोलते ने पर बारो बारो ना प्रटेंड करते ने कि आप तेरे फ्रेंड है, पर अंदरों कोई फ्रेंड नहीं होंगे, ठीक है। नैक्सट हेडिंग लिखो, विखावे लई निम्रता व्यर्थ। विखावे वाली निम्रता व्यर्थ, एदे विच की लिखोगे? विखावे वाली निम्रता व्यर्थ। कोई जेड़ा पहला बोल के हटे हैं कि जे तुसी निम्रता, मान लो कि बारो तुसी बड़े सॉफ्ट हो, बड़े पोलाइटली बोलते हो, अंदरों तुसी दूसरे ने भावे गाले कड्डी जाओ, वो तुहाडी निम्रता होएगी? बिल्कुल भी नहीं होएगी, ठीक है। कई इदा दे ना हुंदे ने जेड़े कहंदे ने कि आपां परमात्मा दा नाम जपदे हां, लोकां नूं वी इह संदेश दिंदे ने असीं परमात्मा दा नाम जपदे हां, पर उह अंदरों बेईमान हुंदे आ, मुंह में की कहंदे हुंदे नूं राम राम बगल में छुरी, है ना, वो इत्ते टुकदी है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये लिख सकदे हो जे तुसी लिखनी होवे तां, ठीक है। नाम जपदे रहिंदे परमात्मा दा पर बगल विच छुरी, मतलब बगल विच की हुंदा, असी लोकां नूं बुरा सोचते रहिंदे, उहनां दा माड़ा सोचते हाँ, बुरा करदे हां, ठीक है। बारो असी कहता वेरी गुड, तू फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, अंदर भावे उन्होंने गाला कर दे हो गए, है ना, आए तू कितना फर्स्ट आ गया, है ना, मैं क्यों नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, निम्रता धारण करन लई यतन। निम्रता धारण करन लई यतन, हुण तुसी निम्रता धारण करनी है तो तुसी काफी तरह के यतन करने ने, उह केड़े केड़े हो सकते ने? परमात्मा का ध्यान, ओके, मेडिटेशन, ठीक है, नेकी, ओके, लालच ना करना, हंकार, जेड़े साडे विच पांच विकार ने,
ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਲਾਭ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਓਕੇ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਠ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਸਾਰ ਅੰਸ਼। ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਸਾਰ ਅੰਸ਼, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਓਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਿੱਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਭਾਗ ਐੜਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਿੱਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਦ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਕੱਲ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ।